ओम शांति। आज की तारीख है 10/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा यह मर्जी व जन्म है, तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझदारी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी और गुस्सा भाग जाएगा। गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। और जब भूल जाते हैं तो क्या करते, खुशियां मनाते हैं, तो यही बहार है खुशियां मनाने की। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, अपनी चलन व दैवी गुण से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। नंबर 2, इस पुराने जड़जड़ी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सतयुगी शरीर को याद करना है और पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान सतगुरु शिव परमपिता का कि रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस के साधन के द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, जैसे दूरबीन होता है, तो दूरबीन में क्या होता है, दूर की चीज नजदीक, नजदीक की चीज बहुत दूर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप तुम अनुभव कर सकती हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।